Hi everyone, hope you all are doing great. मैं हूं अंशुमन कुमार and welcome to all of you on this channel. दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं Vivo V29 Pro के फुल कैमरा का स्पेसिफिकेशन, सैंपल वीडियोस, फोटोज एंड ऑल द टेस्ट कमिंग अप. वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हिट द सब्सक्राइब बटन. लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले आपको कैमरा सेटअप बता दूं. यहाँ पे देखो, बैक में हमें तीन कैमरा मिलता है. ये नीचे वाला हमारा मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का. ये पोर्ट्रेट कैमरा है जो 12 मेगापिक्सल का है और एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है हमें 8 मेगापिक्सल का. नाउ मेन कैमरा जो है उसमें आपको 50 मेगापिक्सल के साथ साथ OIS का ऑप्शन है. 4K 30-60 FPS दोनों में शूट कर सकते हो. फुल HD तो है ही. इसका पोर्ट्रेट कैमरा है, इसका अपर्चर लगभग F2 है. 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, 2x है, तो इससे पोर्ट्रेट थोड़ा क्लोजअप वगैरह पिक्चर्स अच्छे आने चाहिए. ऑल दोज थिंग्स वी विल टेस्ट. थर्ड कैमरा ये छोटा सा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है 8 मेगापिक्सल का. इसका अपर्चर लगभग F2.2 है. इसमें फोटोज़ वगैरह तो आप निकाल ही पाओगे, साथ में वीडियो में फुल HD सिर्फ 30 FPS अवेलेबल है. यहाँ पे 60 FPS या 4K 30-60 वो सारा कुछ नहीं अवेलेबल है. तो इसका भी टेस्ट करेंगे एंड वी विल सी कि इसका कैसा रिजोल्यूशन, क्लैरिटी एंड डिटेल्स निकल के आ रहा है. हमें एक सेल्फी कैमरा मिलता है, इसका रिजोल्यूशन भी 50 मेगापिक्सल का है. आपको अपर्चर F2 मिलता है. वीडियो रिजोल्यूशन में काफ़ी अच्छे हैं. इसमें आपको 4K 30-60 FPS मिलता है. फुल HD में 30 and 60 FPS भी अवेलेबल है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है बट दैट इज़ ओनली इन फुल HD 30 FPS. ये था कैमरा का स्पेसिफिकेशन एंड ब्रॉडली सेटअप क्या मिलता है हमें. इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन. सो लेट्स चेक फोटो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी एंड ऑल दिस थिंग्स. सबसे बढ़िया मुझे इसमें लगा वो है इसके 12 मेगापिक्सल का सेटअप. इसका जो पोर्ट्रेट का क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे. यहाँ पे मैं कुछ आपसे पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, उसमें कोई एडिटिंग नहीं करा है, डायरेक्ट डाउनलोड करके यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ. इम्पॉर्टेंट फीचर इज दैट कि पोर्ट्रेट अगर मोड यूज़ करते हो आप और पिक्चर्स निकालते हो तो पोस्ट प्रोसेसिंग में जो इमेज आपका अवेलेबल है फ़ोन पे, वहाँ पे आपको एक बोके मोड मिलता है. आप उसको प्रेस करके इसके अपर्चर को एडजस्ट कर सकते. सेकेंड थिंग इज दैट कि आप टैप करके इमेज में अगर किसी एक चीज़ को स्पेसिफिक को फोकस में लाना चाह रहे हो और दूसरे को ब्लर आउट करना चाह रहे हो, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. 50 मेगापिक्सल का उसके कुछ पिक्चर्स आपसे शेयर कर रहा हूँ. इसमें भी क्लैरिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, कलर्स वगैरह अच्छा है. वन थिंग यू विल सी, यहाँ पे साइड बाय साइड दो इमेज आपसे शेयर करा है मैंने. आपको एक उसमें ऑप्शन मिलता है, आप नेचुरल मोड में शूट कर सकते हो, नेचुरल कलर में शूट कर सकते हो या फिर नेचुरल कलर को ऑफ भी कर सकते हो. जब नेचुरल कलर में आप शूट करोगे तो थोड़ा सा इमेज को पॉपअप करता है, उसके कलर्स को इन्हेंस वगैरह करता है. स्पेसिफिकली स्काई वगैरह को काफ़ी इन्हेंस करता है ब्लू इस साइड पे. फोटोग्राफी 1x कैमरा से मुझे काफ़ी मज़ा आया. इस पर मैंने काफ़ी सारा शूट करा और आप देख सकते हो कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे कैप्चर हो रहे हैं. कंट्रास्ट मैनेजमेंट इसका काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे आपके एक ही इमेज में हाईलाइट और शेडो दोनों है, वो मुझे काफ़ी अच्छा इसका मैनेजमेंट लगा. कुछ स्ट्रीट पे मोमेंट जहाँ पे बार्गेनिंग चल रही है प्राइस को लेकर के. देन वी हैव स्काई का कलर, आप देख सकते हो. यहाँ पे मैंने कंपेयर करा है मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड में. देखो, अल्ट्रा वाइड में जो स्काई है वो थोड़ा सा सयान साइड पे, नॉट ब्लूइश, थोड़ा सा सयान साइड पे वो उसको शिफ्ट हो रहा है. बट ओवरऑल अल्ट्रा वाइड इज ऑल्सो परफॉर्मिंग गुड, नॉट रियली एनी इशू. डेप्थ ऑफ फील्ड आपको ऑब्वियसली जो मेन कैमरा है उसमें काफ़ी बेटर मिलता है. सेल्फी कैमरा का यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है फोटोग्राफी के लिए मुझे एवरेज लगा. इससे बेटर परफॉर्मेंस मिल जाता है हमें. लाइट या नाइट में अगर आपको फोटोग्राफी वगैरह करना है तो वहाँ पे मैंने कुछ सैंपल टेस्ट वगैरह लिया है, इसे वो शेयर कर रहा हूँ. दो ऑप्शन है हमारे पास, आप इसके फोटो मोड में क्लिक कर सकते हो या फिर रेगुलर फोटो मोड जो है उसमें क्लिक कर सकते हो, या फिर आप इसमें नाइट मोड का अलग से ऑप्शन है. सिचुएशन में थोड़ा ओवर एक्सपोज हो रहा है इमेज लो लाइट कंडीशन में, बट जब आप इसको नाइट मोड में शिफ्ट करके पिक्चर निकालोगे तो स्काई वगैरह काफ़ी इनहेंस हो रहा है, काफ़ी ब्लूइश टोन में स्काई के कलर्स को स्विच कर रहा है. तो ये चीज़ का ध्यान रखना. आप देखो, ये पर्सनल चॉइस हो सकता है, किसी को ये पसंद आएगा, किसी को ये थोड़ा आर्टिफिशियल लगेगा. मैं ये नहीं कह सकता कि ये अच्छा है या बुरा है, वो आपका प्रेफरेंस है, बट ओवर एक्सपोज तो हो रहा है. सो आपको जब भी आप नाइट मोड में पिक्चर निकालो या रेगुलर फोटो मोड लो लाइट कंडीशन में निकालो तो वहाँ पे इसको थोड़ा अंडर एक्सपोज करके निकालना, योर पिक्चर क्वालिटी विल बी मच बेटर. 29 Pro में आपको यहाँ पे एक ऑरा लाइट मिलता है, एक कंटिन्यूस लाइट है जिसमें आप टेम्परेचर वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो. आपको फ्लैश, रेगुलर फ्लैश से पिक्चर क्लिक करके दिखाता हूँ यहाँ पे. लेट मी कीप इट लिटिल अवे. टेकिंग द पिक्चर विद ऑरा लाइट. इसमें आप कंटिन्यूस शूट कर सकते हो ऑरा लाइट में, विच इज नॉट पॉसिबल विद फ्लैश. वहाँ पे टाइम लगता है टू रिसाइकिल. पार्ट अबाउट ऑरा लाइट, ये आपके वीडियो मोड, फोटो, माइक्रो वीडियो, पोर्ट्रेट मोड, ऑल दोज मोड में आपके पास ये अवेलेबल है.
कंस्ट्रेंट इज थोड़े टाइम यूज़ करने के बाद देखो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर हो जाता है और ऑरा लाइट स्विच ऑफ हो जाता है, तो 1 से 2 मिनट आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर पाओगे और फिर उसके बाद अगेन थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फिर से स्टार्ट होता है। राइट नाउ रिकॉर्डिंग 4K 30 FPS पे, और यहाँ पे भी आप देखो बिल्डिंग्स वगैरह का जो डिटेल है ठीक ठाक अवेलेबल है। मैं करते हुए आपको इसको जूम वगैरह करना है तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, थोड़ा सा डिजिटल जूम हो रहा है। 50 MP का हमारा कैमरा है फ्रंट में एंड दिस इज़ द लुक एंड फील यू गेट। सेल्फी कैमरा से व्लॉग टेस्ट करते हैं, फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्टेबलाइजेशन मैंने ऑन नहीं करा है, थोड़ा आज क्लाउडी है सो दैट इज़ देयर, बट कलर क्लैरिटी मूव करते हुए वीडियो वगैरह बनाना है तो कैसा इसमें परफॉर्मेंस आ रहा है, कितना ज़्यादा जिटर है बिकॉज अभी कोई स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं है। परफॉर्मेंस इसका विल सी। सेल्फी कैमरा से ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन ऑन करा है। देखो यहाँ पे जब ऑन करोगे स्टेबलाइजेशन तो थोड़ा सा क्रॉप आएगा, और फुल HD में शूट कर रहा हूँ 30 FPS तो और भी थोड़ा सा रिजोल्यूशन डिटोरिएट होगा। बट मूव करते हुए यहाँ पे एक बार स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं कैसा आ रहा है परफॉर्मेंस, थोड़ा सा भाग के ताकि मूवमेंट वगैरह हमें पता चले। और रिकॉर्डिंग 4K 30 FPS, यहाँ पे कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, तो सेल्फी कैमरा से ये रिकॉर्ड करके यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल्स कैसा आ रहा है। शूटिंग विथ 4K 60 FPS, और वो करते हुए अगर आपने सेल्फी कैमरा से कुछ स्लो डाउन वगैरह बनाना है सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। लेट मी रन और इसको थोड़ा स्लो डाउन करके मैं आपसे शेयर करता हूँ। दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज सेल्फी कैमरा में आपको 4K 60 FPS जनरली नहीं मिलता है। यहाँ पे स्टेबलाइजेशन नहीं होगा बट जब आप स्लो डाउन करोगे ऑब्वियसली दैट विल बी टेकन केयर। वीडियो परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो मेन कैमरा है उसमें आपको 4K 30 FPS 60 FPS दोनों मिलता है। OIS है कैमरा में, बट देखो यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, 60 FPS पे OIS काम नहीं कर रहा, ये मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा। मैंने इसको कंपेयर भी किया है OnePlus 11R से, उसका भी मैं आपसे यहाँ पे वीडियो शेयर करूँगा, वहाँ पे 60 FPS में भी अच्छा खासा OIS काम कर रहा है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी कि ये बेटर है या OnePlus 11R बेटर है, वो आप वीडियो देख लेना, डिपेंडिंग ऑन आप क्या शूट करते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ़र्क पड़ेगा। 4K 30 FPS का जो वीडियो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखोगे OIS वगैरह अच्छा है, बट कलर्स में थोड़ा सा स्पेसिफिकली जो हाईलाइट एरिया है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है वहाँ पे चैलेंज है। सैचुरेशन वगैरह थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पा रहा है, वो ऑफ हो जा रहा है, येलोइश दिख रहा है। चेहरे पे भी अचानक से अगर लाइट आ रही है, आप मूव करते हुए अगर वीडियो बना रहे हो, मेन कैमरा की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे इस तरह का जो यू नो प्रोसेसिंग का जो इशू लगा मुझे दैट इज़ देयर इन दिस कैमरा। डिजिटल जूम आपको मिल जाता है मेन कैमरा में भी और आपको पोर्ट्रेट कैमरा में भी। पोर्ट्रेट कैमरा में देखो आपको सिर्फ फुल HD 30 FPS तक आप शूट कर पाओगे, और डिजिटल जूम जो है वो उसकी क्वालिटी दोनों में एवरेज टाइप्स है। देखो डिजिटल जूम एनी विच वे इट्स नॉट रिकमेंडेड बिकॉज वहाँ पे काफ़ी पिक्सलेट वगैरह होता है। ट्रोवाइड एंगल कैमरा से शूट कर रहे हैं और इसमें सिर्फ 30 FPS अवेलेबल है दोनों बैक में जो कैमरा है। वॉक करते हुए अगर वीडियो बनाना है तो स्टेबलाइजेशन कैसा है। नाइट के नाइट कंडीशन में अगर वीडियो परफॉर्मेंस की बात करूं, चाहे वो मेन कैमरा हो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा हो, तो आपको ये एक एवरेज सेटअप ही मिलता है। क्लैरिटी वगैरह इससे बेटर आपको मिल जाती है इस प्राइस पॉइंट पे, और जो शार्पनेस है जो क्वालिटी है कलर्स वगैरह का दैट आई विल सजेस्ट दैट इससे बेटर इस प्राइस पॉइंट पे आपको कैमराज अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ सैम्पल्स वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हो द परफॉर्मेंस इज ओके। तो इतना सारा डिटेल्स अगर आप कन्फ्यूज़ हो गए तो थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। देखो सेल्फी कैमरा का परफॉर्मेंस, वीडियो रिजोल्यूशन, वीडियो वगैरह अगर बनाते हो तो अच्छा है बिकॉज यहाँ पे आपको 4K 30 FPS 60 FPS भी मिलता है, आप स्लो डाउन वगैरह कर पाओगे। OIS या इस तरह का स्टेबिलिटी नहीं है 4K में, बट आप खड़े रह के वीडियो वगैरह बना सकते हो, और अगर आपको मूव करते हुए बनाना है तो आप फुल HD वगैरह में बना करके वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन यूज़ कर सकते हो। जहाँ तक सेल्फी कैमरा का फोटोग्राफी है तो ठीक ठाक है, एवरेज में बोलूँगा परफॉर्मेंस, इससे बेटर कैमरा इस पॉइंट पे अवेलेबल है। स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो, लोगों के पिक्चर निकलते हो, आउटडोर वगैरह शूट करते हो, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसके पोर्ट्रेट लेंस में काम करने पे, एंड आई रियली एंजॉयड इट। मेन कैमरा से फोटोग्राफी भी काफ़ी अच्छा हो पा रहा है, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से भी फोटोग्राफी काफ़ी अच्छा हो रहा है। बैक में मेन कैमरा का वीडियो रिजोल्यूशन या परफॉर्मेंस है वो मुझे काफ़ी एवरेज लगा। देखो 4K 30 FPS है, 60 FPS है, 60 FPS में आपको OIS नहीं काम कर रहा है। इवन 4K 30 FPS में जो क्वालिटी है, जो हाइलाइट्स वगैरह है वो ब्लोन आउट हो जा रहा है, वहाँ पे कलर का मैनेजमेंट थोड़ा ठीक से नहीं हो पा रहा है। वीडियो रिजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। वाइड एंगल कैमरा का परफॉर्मेंस ओके है, वहाँ पे इस प्राइस पॉइंट में सिमिलर आपको मिलता है।
अगर आप ज़्यादा फोटोग्राफी वगैरह करते हो तो बैक कैमराज का सेटअप काफ़ी अच्छा मिलता है, यू विल रियली लव इट। अगर आप ज़्यादा वीडियोज वगैरह शूट करते हो बैक कैमरा वगैरह से तो वहाँ पे थोड़ा एवरेज है, आपको मैं अवॉइड करने को बोलूँगा। इस वीडियो में इतना ही, होप आपको ये वीडियो पसंद आया। आपका कोई थॉट हो, कमेंट हो, फीडबैक हो या कुछ जानना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय, सी यू सून।